आश्रम पार्ट टू में आई एम श्योर अगर आप लोगों ने मेरे किरदार को, सनोबर के किरदार को, बल्कि इतने सारे एक्टर्स के बीच में जो भी मुझे मिला करने को, मैं हैरान हूँ कि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस कैरेक्टर के बारे में उनको जिज्ञासा हो रही है जानने के लिए। दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुबारकबाद देने के लिए, और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हो, उस प्रोजेक्ट से जुड़ते हो, लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ख़ास तौर से जब आपका पहली वेब सीरीज़ जो आप करते हो और वो पहली वेब सीरीज़ ही ब्लॉकबस्टर बन जाती है तो एक बहुत प्यारी फीलिंग होती है। एक्चुअली तो मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। अगर ये आश्रम अगर लॉकडाउन के वक्त नहीं भी आता तब भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चलता, क्योंकि इसका कंटेंट अच्छा है। तो अभी ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो अच्छा, आप उसको कुछ भी परोस नहीं सकते हैं। तो अभी ऑडियंस का ये है कि उनको अच्छा कंटेंट देंगे तो वो कभी भी आए, किसी भी वक्त आए तो वो उसको डेफिनेटली लाइक करेंगे। दरअसल मोस्टली होता ये है कि मोस्टली एक्टर्स का ऑडिशन होता है एक इसके लिए, जब उनको कोई शोज़ करना हो या कोई फिल्म करनी हो। इस बार मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे खुद से प्रकाश झा प्रोडक्शन से कॉल आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने प्रकाश झा प्रोडक्शन की लास्ट फिल्म की थी अरशद वारसी जी के साथ में, फ्रॉड सैया। तो उसमें मैं उनकी पंजाबी वाइफ बनी थी, तो उसमें जो मेरा किरदार था वो जितना भी मैंने उसमें किया तो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो कहीं ना कहीं पहले से ही मैं मतलब प्रकाश झा प्रोडक्शन से जुड़ी थी। तो जब इन्होंने ये, मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके की वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे जब कॉल आया कि आप आ जाइए, इस मुझे लाइंस भेजी गई, कल आ जाइए आप, तो मुझे इतना नहीं, मुझे नहीं मालूम था फिल्म के लिए जा रही हूँ कि वेब सीरीज़ के लिए, बट इतना था कि प्रकाश जी के यहाँ से कॉल आया तो जाना चाहिए। तो गई, ऑडिशन किया और ऑडिशन अच्छा लगा तो फिर मिल गया मुझे ये शो। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली अयोध्या में शूट करना, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी बात है अयोध्या जा रही थी तो इस चीज़ की अपने आप में एक बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारे कहते हैं राम जन्मभूमि है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो वैसे भी थोड़ी सी धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरी खुशी तो ज़्यादा हो गई थी। शूट भी करते थे, शूट के अलावा जब मुझे वक्त मिलता था तो मैं वहाँ पर काफ़ी घूमी भी हूँ जो धार्मिक वहाँ के स्थान हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम लोगों ने सर्दियों में शूटिंग की है, जो हम शूटिंग कर रहे हैं और जो कड़ाके की ठंडी में हम लोग शूट करते थे उसका एक अलग ही मज़ा था। मतलब ऐसा था कि मैं सच बताऊँ, इतना वो जो आप जिस सेट की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ा महल है वहाँ के राजा का जहाँ हम लोगों ने शूट किया, तो वो रियल है उसको, हाँ वो नहीं नहीं उसके बनाई गई है वो, मतलब वो जो लोकेशन है वो एक रियल लोकेशन है पर उसको बनाया है इन लोगों ने। वो इतनी बड़ा एक स्पेस था तो उसको बनाया गया, उस पर काम किया गया, उसको तैयार किया गया, तो वो इतना खुला था हर जगह से, चारों तरफ से। अब सोचिए आप इतनी ठंडी में दिसंबर और जनवरी के महीने में जब शूट करेंगे तो एक्टर्स की क्या हालत होती होगी। तो हमारा वही था, वो कुर्ती सी पहनी है बस, जैसे ही शॉट होता था शॉट के बाद ऐसे ठिठुर रहे हैं, पर इतनी अच्छी एनर्जी थी वहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने कहा जो आप अच्छी कास्ट के साथ काम करते हो, जो आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, और जब आपको एक पैशन होता है तो वो चीज़ें सोच के वो थोड़ी देर के लिए फिर ख़त्म हो जाती थी। तो मज़ा आया मुझे एक्चुअली। अगर मुझे कोई पिता को भी बाबा कहते हैं तो मैं कोई अच्छा अगर आध्यात्मिक गुरु है, कोई एक अच्छा कोई ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ पे चलने के लिए कह रहा है कि आप एक अच्छी चीज़ का अनुसरण कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर धर्म के नाम पे जो ये लोग इस पर इतनी अवेयरनेस एक इंसान को भी होनी चाहिए कि आप जब किसी से मिलते हो या आप किसी से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो अंधविश्वासी मत बन जाओ। वो गुरु को गुरु की तरह ही लो, ठीक है वो आपको अच्छी चीज़ें जो बताए उनको, क्योंकि हमारा इतना ब्यूटीफुल धर्म है, हमारा जो हम हिंदू धर्म है इतना सुंदर धर्म है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पैदा हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें की हैं। तो मुझे लगता है इसका, तो अगर यही चीज़ें आज के युग में थोड़ी मुश्किल होती हैं, बट स्टिल बहुत अच्छे लोग हैं जो करते हैं, पर जो पाखंडी लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जो इन चीज़ों को बिज़नेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों में वो अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि भाई ये जो गुरु है ये गुरु नहीं है, ये पाखंडी है। बाकी ऐसा नहीं है, अभी भी गुरुओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ये बहुत खूबसूरत देश है, अभी भी बहुत से अच्छे बाबाज हैं, लोग हैं, अदरवाइज़ ये हमारा देश इस तरीके से इतना खूबसूरत नहीं रहता, इतने हम लोगों में अभी भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं रहती। आश्रम पार्ट टू में आई एम श्योर अगर आप लोगों ने मेरे किरदार को, सनोबर के किरदार को, बल्कि इतने सारे एक्टर्स के बीच में जो भी मुझे मिला करने को, मैं हैरान हूँ कि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस कैरेक्टर के बारे में उनको जिज्ञासा हो रही है जानने के लिए।
तो ये एक मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है। और मैं बस अपने फैंस को यही बोलूँगी कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते हैं, मुझे ही नहीं बल्कि जो भी आपको लगता है एक नए लोग आ रहे हैं प्रतिभाशाली अगर आपको लगते हैं और आपको लगता है कि उनको आपके प्यार की और साथ की ज़रूरत है, तो आप उनको ऐसे ही प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए। और जो शॉर्ट फिल्म ऐसे ही बनाती रहूँगी। आई एम सो हैप्पी कि जो अभी लोग हैं, जो फैंस हैं या जो भी जनता है, अच्छे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी अपने टेस्ट को अच्छा रखिए, अच्छा कंटेंट को पसंद कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट बने और हमारी कंट्री में जो इश्यूज़ हैं कुछ, जिन पे बात होनी चाहिए, उन इश्यूज़ पे भी बात हो। तो इसके लिए मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी।